हरियाणा में ग्रुप ए बी और सी की नौकरियों से स्पोर्ट्स कोटे को खत्म किए जाने के विरोध में सोनीपत में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में बॉक्सर विजेंद्र सिंह, WWE की प्रथम भारतीय महिला कविता दलाल सोनीपत पहुंची। सोनीपत के सुभाष स्टेडियम में एकत्रित होकर काफी संख्या में हर उम्र के खिलाड़ियों ने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। बता दें कि हरियाणा सरकार में ग्रुप ए बी और सी की नौकरियां स्पोर्ट्स कोटे को खत्म किए जाने के विरोध में लगातार प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सोनीपत में भी कांग्रेस पार्टी के मेयर निखिल मदान और काफी संख्या में खिलाड़ी पैदल मार्च करते हुए मिनी सचिवालय के मुख्य गेट पर पहुंचे, जहां पर CTM अनमोल सिंह के माध्यम से जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ओलंपियन बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार ने ए बी और ग्रुप डी का मतलब ये है कि सरकार चाहती है कि खिलाड़ी चपरासी या फिर दफ्तरों के दरवाजों पर खड़े रहें। खिलाड़ी देश और समाज का मान सम्मान होते हैं, अगर उनको सम्मान नहीं मिलेगा तो वो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। विजेंद्र सिंह ने कहा कि सभी लोगों और पूर्व खिलाड़ियों से अपील करते हुए कहा कि सरकार के इस गलत फैसले के खिलाफ खिलाड़ियों के समर्थन में आए। वहाँ जाके हम प्रेस वार्ता करेंगे, उनके घर में जाके बताएंगे कि भैया खिलाड़ी कितने नाराज हैं, संदीप जी सुनो, हमारी बात सुनो, जो सरकार ने उनको पद दिया है उसको पद को ठुकरा कर खिलाड़ियों का साथ। तो हम एक नहीं, हमारी तीन चार मांगे हैं इसको लेकर। खिलाड़ी जो सोनीपत के पहलवान हैं, जो कबड्डी के प्लेयर हैं, जो मुक्केबाज हैं, जो युवा साथी हैं, सब के सब आज इस गर्मी में कहते हैं सड़क पर धक्के खा रहे हैं, सिर्फ न सिर्फ इसलिए कि सरकार से वो नाराज हैं। तो सरकार से हमारा अनुरोध सिर्फ ये है कि भैया हमारी मांग जो मांगे हैं, जायज मांगे, उनको हम माने और उनको बढ़ा के जो 3% है उसको 5% दिया जाए। वहीं WWE की प्रथम भारतीय महिला और राष्ट्रपति अवार्डी कविता दलाल ने सरकार से इस कदम पर सवाल उठाए और कहा कि SSP और अन्य सरकारी परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, क्या उनकी परीक्षाएं सरकार ने लेनी बंद कर दी हैं? उन्होंने कहा कि बेटियों ने खेल नीति के कारण ही घर की दहलीज से बाहर पैर रखना शुरू किया, लेकिन अब एक बार फिर से खेल कोटा बंद होने से बेटियों के रास्ते बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को खेल नीति को बढ़ावा देना चाहिए, 3-10% तक कर देना चाहिए। सरकार को खेल नीति को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छे अवसर प्रत्येक खिलाड़ी के लिए उत्पन्न होते हैं। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि 3% करने के कारण बेरोजगारी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा खेल मंत्री संदीप सिंह अभी भी चुप बैठे हुए हैं। उनकी चुप्पी का कारण ये है कि इसी खेल कोटे को समाप्त करने से खुश नहीं है। ग्रेडेशन में फ्रोडबाजी हुई, वो हुई थी डी ग्रुप का, अब तक ऐसे ही 10% कोटा है। ABC का क्यों खत्म किया? और उसके बाद ABC इसमें डी में हवाला वो हो गया, फर्जीवाड़ा हो गया। क्या HPSC, SSC, HSC के टेस्ट होते हैं, उनमें पेपर लीक आउट होते हैं, क्या उसने परीक्षाएं बंद करवा दी? फिर उसके बाद बात आती है कि हरियाणा में जितनी लड़कियों ने खेल के माध्यम से घर से बाहर निकलना शुरू किया था, इस नीति से वापस वो घर में वापस बंद हो जाएंगी। हरियाणा खेल नीति में बदलाव ने प्रदेश के खिलाड़ियों को नाराज कर दिया। खिलाड़ी सरकार के इस फैसले से नाराज हैं और इस फैसले का विरोध जाहिर कर रहे हैं। हालांकि ग्रुप डी का आरक्षण जारी रहेगा, ग्रुप डी में पहले की तरह खेल कोटे का 10% आरक्षण मिलता रहेगा। सरकार के इस फैसले से खेल कोटा अब केवल खेल विभाग तक ही सीमित हो गया है। इस बदलाव के बाद प्रदेश के लगभग 81 विभागों और 2 दर्जन के लगभग सरकारी उपकरणों में उच्च वर्ग की नौकरियों में अब खिलाड़ियों की भर्ती का रास्ता बंद हो गया है। गोहाना से सुनील जिंदल की रिपोर्ट।